हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पायल गुड़ियाल। अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म मिशन मंगल आज थिएटर पर रिलीज हो गई है। फिल्म में अक्षय और विद्या के अलावा तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, शर्मन जोशी भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। फिल्म को जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है और इसे प्रोड्यूस फोक्स स्टार स्टूडियोज ने किया है। अगर आप भी इस फ्राइडे फिल्म मिशन मंगल को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लें कि ये फिल्म आपके देखने लायक है भी या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म इसरो के साइंटिस्ट की तरफ से भारत के पहले मार्स ऑर्बिटरी मिशन मंगलयान के सफल परीक्षण के पीछे की कहानी को सामने लाती है। इसरो के मिशन मार्स प्रोजेक्ट पर आधारित ये फिल्म महिला वैज्ञानिकों के चारों ओर घूमती दिखाई देगी, जिन्होंने रॉकेट तैयार कर इस असंभव मिशन को पूरा किया। इसके लिए पीछे भारतीय वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की थी और बहुत कम संसाधनों के होते हुए भी भारतीय वैज्ञानिकों ने कैसे इतिहास रचा था, यही जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म हर एक इंसान को इंस्पायर करती है, साथ ही फिल्म की कहानी भी बेहद ही शानदार है जो आपको एंड तक बांधे रखेगी। फिल्म का क्लाइमैक्स भी जबरदस्त है। इतना ही नहीं, फिल्म के कई सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखते वक्त आपके अंदर की देशभक्ति जाग उठेगी। फिल्म के डायरेक्शन और एडिटिंग की जमकर तारीफ हो रही है। बात करें स्टार्स की एक्टिंग की तो फिल्म में अक्षय और विद्या ने दमदार एक्टिंग की है। इसके अलावा फिल्म की बाकी स्टार कास्ट तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, शर्मन जोशी ने भी अच्छा काम किया है। बात करें फिल्म की म्यूजिक की तो फिल्म में अमित त्रिवेदी का म्यूजिक अच्छा है। सारे गाने फिल्म के हिसाब से बनाए गए हैं। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप एक देशभक्ति से भरी और इंस्पायरिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को 4 स्टार्स मिले हैं। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।